नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं जिसे आप लोगों ने ही कमेंट किया है, जिसे स्क्रीन में आप देख सकते हैं। ये मुझे कमेंट किया गया है कृष्णा सिंह के द्वारा और ये लिखते हैं कि सर, यदि हम 3x3 के मैजिक स्क्वायर में योग 60 लाना चाहें और 90 लाना चाहें तो इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इसने लिखा है कि सर आप इसका निकाल करके मुझे दिखाइएगा। तो निश्चित रूप से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर 3x3 का मैजिक स्क्वायर अगर हमें बनाना है और उसमें योग यदि हमें 60 लाना है या फिर 90 लाना है तो इसका उत्तर हम कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए, जब भी आप 3x3 का मैजिक स्क्वायर बनाएं और उसमें यदि योग लाना है, वो संख्या दिया है कि योग कितना लाना है, तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमें यह कहा जाए कि योग हमें 60 लाना है तो भैया अगर आपको 3x3 का मैजिक स्क्वायर बनाना है तो उसमें योग कितना लाना है 60। तो आपको हमेशा याद रखना है 3x3 के स्क्वायर में आपको हमेशा 3 से भाग देना होता है। तो 3 से जब हम भाग देंगे इसको तो 3 × 2 = 6 और 3 × 0 = 0, मतलब योग कितना आ रहा है यहां पर, मतलब इसको भाग देने पर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। योग तो हमें 60 ही लाना है, ये 20 आ रहा है, इसका मतलब ये है ये संख्या बीच में आएगा। कैसे बीच में आएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि 3x3 के मैजिक स्क्वायर में कितने खाने होंगे, 9 खाने होंगे, तो ये बीच की संख्या होगा। तो इधर 4 संख्या और आएगा, तो 20 के बाद यहां पर 21 आएगा, उसके बाद 22 आएगा, उसके बाद 23 आएगा, उसके बाद 24 आएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी 4 संख्या और आएगा, तो यहां पर 19 आएगा, इससे पहले 18 आएगा, इससे पहले 17 आएगा और इससे पहले 16 आएगा। मतलब यहां पर देखिए 4 संख्या इधर है और 4 संख्या इधर है, इन्हीं 4 और 4 जो 8 है और यहां करके 9 जो संख्या है, इसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, मैजिक स्क्वायर में भरना है। तो भाई इसको भरेंगे कैसे फिर, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर आपको इसको 90 लाना हो, योग 90 लाना होता, तब आप इसको कैसे करते, तो मैं आपको पहले इसका तरीका बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको 90 का ही बताऊंगा। इसको देखिए, अब हम यहां पर क्या करेंगे, 3x3 का एक मैजिक स्क्वायर बना लेंगे। देखिए यहां पर मैं आपको बहुत सारे तरीका बनाते रहता हूं इस वीडियो में, आपको ऊपर आई बटन में जितने भी वीडियो दिखाई देंगे ना, वो मैजिक स्क्वायर से संबंधित ही होगा। और वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा प्लेलिस्ट मिलेगा, एक ऐसा वीडियो मिलेगा, दोनों में से किसी भी वीडियो को क्लिक करेंगे ना तो वो आपको पूरा मैजिक स्क्वायर का हर प्रकार का तरीका सिखा देगा, चाहे वो 5x5 का हो, 6x6 का हो, 7x7 का हो, 10x10 का हो या 11x11 का हो, कोई भी मैजिक स्क्वायर आप सीख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में जो आपको बगल में आपको दो वीडियो दिखाई देंगे उनमें से किसी वीडियो का क्लिक करके सीख सकते हैं। यहां पर देखिए, हम यहां पर 3x3 का मैजिक स्क्वायर बना रहे हैं और देखिएगा यहां पर मैं आपको एक अद्भुत तरीका बताने वाला हूं जिसमें आपको यह तरीका जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या होगा, जो भी आपने संख्या निकालना था, जैसे हमें योग 60 लाना था तो 60 लाने के लिए हमने उसको 3 से भाग दिया था तो उत्तर कितना आया था, 20 आया था। तो जो संख्या बीच में है, 4 संख्या इधर है, 4 संख्या इधर है ना, तो बीच वाले संख्या को आपको बीच में ही लिखना है। देखिए 3x3 का स्क्वायर है ना, तो बीच में लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इसके पहले जो संख्या है उसको पहले लिखना है। लेकिन तरीका हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको इसको जेड शेप में हल करना होता है। देखिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए मैंने जेड फार्मूला वाला एक गणित बनाया था, मतलब मैजिक स्क्वायर बनाया था जिसमें हम जेड शेप से भरना प्रारंभ करते हैं। कैसे, जैसे यहां पर देखिए, अगर मैं 16 से भरना प्रारंभ करूं, ठीक है, 16 से भरना प्रारंभ करूं तो 16 को मैं यहां पर भरूंगा, लेकिन याद रखिए इस कॉर्नर में जो संख्या आएगा 17, इसको आपको यहां पे नहीं भरना है। कहां भरना है मैं बताऊंगा। तो 16 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, 18 आएगा, उसके बाद यहां पर 19 आएगा, यहां पर 20 तो आ ही रहा है, 20 के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, 21 आएगा। क्रमशः देख सकते हैं 21, 22, 23 और 24, 21 आ गया, यहां पर आपको 22 भरना है, लेकिन यहां पर आपको 23 फिर से नहीं भरना है। 23 के बाद 24 तो यहां पर आएगा, हमने भर दिया। अब 23 तो यहां पर आ रहा था, तो ये दो संख्या जो है ना आपको क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। मतलब 17 यहां पर था उसको हम यहां पर ला देंगे, ठीक है, और 23 यहां पर था उसको हम यहां पर ला देंगे। दोस्तों ऐसा करने से अब आपको कुछ भी नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आपका मैजिक स्क्वायर बन चुका है और इसको मैंने जेड से जेड नाम इसलिए दिया था, इसको देखिए अगर हम यहां से प्रवेश करते हैं तो यहां से देखिए एक जेड शेप बनता है। देखिए जेड शेप बन रहा है, देखिए जेड शेप बना, इसीलिए मैंने इसको जेड शेप नाम दिया था। यहां से देख सकते हैं आप, जेड शेप देख रहे होंगे ये देखिए, और इसको जेड शेप में भरना होता है। केवल इस वाले कॉर्नर के, इस वाले कॉर्नर के संख्या को आप इंटरचेंज कर दीजिए। अब ये एक मैजिक स्क्वायर बन गया है जिनमें संख्याओं का जो योग है आप ऊपर से नीचे जोड़िए, है ना, बाएं से दाएं जोड़िए या फिर कैसे भी जोड़िए, चाहे विकर्णों में जोड़िए, इनका जो योग है वो 60 ही आएगा, जैसे कि शुरू में प्रश्न में कहा गया था, पूछा गया था। जोड़कर देख लीजिएगा, 7 और 2 9 होता है और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 और 2 कितना हो रहा है,
छः, मतलब 60 हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए, चार और छः यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हासिल एक जाएगा, दो दो चार पाँच, और हासिल करके कितना हो रहा है, छः। यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर इसमें जो संख्या दिख रहा है ये 23 है, तो 23 के दो को यहाँ लाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, एक को यहाँ लाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 20, तो 20 दिया 60। इस प्रकार भी आप जोड़ सकते हैं, इनको भी आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 21 है तो 21 का एक यहाँ पर ले जाएंगे तो ये भी 20 हो जाएगा, तीनों 20 हो जाएगा, तो 20 दिया कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। इसको भी आप जोड़कर देख सकते हैं। निश्चित रूप से समझ तो आ गया होगा कि इस प्रकार के मैजिक स्क्वायर को बहुत ही सरल तरीके से बनाया जा सकता है। अब देखिए, अगर इसी में हमें 90 का बनाना हो, है ना, तो चलिए मैं यहां पर ऊपर में आपको बता देता हूं कि 90 का बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 को हमें भाग देना पड़ेगा किससे, निश्चित रूप से इसको हम भाग देंगे 3 से। 3 से जब हम भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 30 आएगा। अब देखिए, मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके को भी आप ध्यान से सीख लीजिएगा। यहां पर दोनों तरीका एक ही है, लेकिन बस आपको क्या करना है, भरने का तरीका अलग रह जाएगा। देखिए, इसमें भी संख्याओं का जो योग है वो भी क्या हो जाएगा, सब तरफ से बराबर ही आएगा। यहां पर जो हमने संख्या लिखा है वो कहां पे आएगा, बीच में आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तो समझ आ गया है, जैसे यहां पर 30 है तो यहां पर आपको क्या कर देंगे, यहां पर 31 भर देंगे, यहां पे 32 भरेंगे, लेकिन यहां पर 33 नहीं भरेंगे, लेकिन यहां पर 34 जरूर भरेंगे। उसके बाद यहां पर देखिए उल्टा लिखेंगे, यहां पर 30 है ना, तो यहां पर 29 करेंगे, यहां पर 28 करेंगे, यहां पर 27 नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर 26 जरूर करेंगे। अब यहां देखिए, यहां से हमने संख्या लिखना प्रारंभ किया होगा तो यहां पर हमने लास्ट संख्या भरा होगा, तो 26 27 28 29 30 31 32 33 34 33 यहां पर न भर करके हम यहां पर भर देंगे, ये हमारा काम हो गया। फिर 26 के बाद 27 यहां पर था, तो 27 यहां न भर के हम क्या कर रहे हैं, यहां पे भर रहे हैं। अब देखिए, इनका योग भी निश्चित रूप से 90 ही आएगा, जोड़कर देख लीजिएगा, 7 और 2 9 और 1 कितना हो रहा है, 10 का शून्य हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, ठीक है। फिर 1 यहां पर हासिल आया तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 1 3 3 6 3 3 9। और दोस्तों, ये सभी तरफ से ऐसा ही होगा। देखिए, यहां पर 3 है, इसको यहां ले आएंगे तो ये भी 30 हो जाएगा, तो 30 यहां पर भी क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। ऊपर से नीचे देखकर जोड़ सकते हैं, 8 और 2 10 हो रहा है, यहां पर शून्य हो जाएगा, हासिल 1 चला गया तो 3 हो जाएगा, 3 और 3 यहां देखिए कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पर भी 90 होगा। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार हम 3x3 के मैजिक स्क्वायर को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से यह छोटा सा वीडियो जरूर है, लेकिन बहुत ही उपयोगी वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।